लगी ऐसे रोड पे। हमारे प्यारे गोविंद भैया ने बनाई है, हमारी मैगी तैयार हो चुकी है। गाइस आज आए हुए हैं हम ठोकाने वाटरफॉल, लेकिन यहाँ आकर मैंने सोचा था मैं बहुत ज्यादा ना आऊंगी। माय व्लॉग, अभी से मेरे को पसीना हो गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। सुबह के अभी 8 बजे हैं और आज हम जाने वाले हैं ठोकाने वाटरफॉल। वैसे तो मैं चली गई, उससे पहले भी चली गई थी, लेकिन आज फिर से हमारा प्लान बन गया क्योंकि मैं जूनियर्स के साथ गई थी। उसके बाद हम जाने वाले ना, अभी चढ़ने वाले, तो हमने साथ में कभी ट्रिप ऐसे बनाया नहीं। तो हम आज वाटरफॉल जा रहे हैं, मैगी भी बनाने वाले हैं, देखते हैं टाइम होगा नहीं होगा, क्योंकि सुबह ही हम लोग आज जल्दी निकल रहे हैं ताकि हमें फोटो खींचने का भी टाइम मिले, क्योंकि कैसे हम जाके हमें कल टाइम ही नहीं मिला हम फोटो खींच पाएँ। और बस स्टेशन में हमने पता कर लिया है आजकल कोई बस नहीं जा रही है, ये गर्मियों के सीज़न में ही शॉर्टेज हो जाती है बस की, पता नहीं कहाँ चले जाती है ना, केमूस की जा रही है ना, धारनौला से मिल रही है। अब हम जा रहे हैं लिफ्ट लेके करबला तक, वहाँ से देखते हैं कोई हमें लिफ्ट देगा या नहीं देगा। यहाँ से चलते हैं, मुझे तो मंडल भी आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ होगा। गो के बाद तो इनकी स्कूटी है, चलो फिर पार्टनर कुछ यहाँ पे मिल चुके हैं, ये दोनों भी आ रहे हैं और हम लिफ्ट लेके आ गए हैं। अब यहाँ से हम मैगी के लिए डिस्पोजल वगैरह ले लेते हैं। ठीक से एक भी गाड़ी नहीं आ रही है, वेट करना पड़ा है, आजकल गाड़ियों की इतनी शॉर्टेज हो रही है ना। अब हम ये वाले करबला से नीचे वाले करबला में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है गाड़ी मिलने वाली, क्योंकि गरूर से भी आती है वहाँ से गाड़ी। आजकल सच में गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हमारी ट्रिप भी ऐसे ही टाइम पे बनते हैं। गाइस अभी तो हम नीचे वाले करबला पे आ चुके हैं, अब यहाँ से हमें बताया लिफ्ट नहीं मिल रही है ना कोई बस आने वाली है, आज भी सबसे हमने पूछ लिया है और ये लोग हमसे 1500 रुपये ले रहे हैं टैक्सी वाले, लेकिन हम टैक्सी में नहीं जाएंगे। अब हमने डिसाइड किया कि हम लिफ्ट लेंगे और दो दो करके निकलते रहेंगे। तो पहले बारी है दीक्षा और किरण दी की बारी है, ये लेंगे लिफ्ट, अब देखते हैं इनको लिफ्ट मिलती नहीं मिलती। दीक्षा अंकल ट्रक में जाएंगे हम, अब ट्रक मिल गई है, ट्रक में चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ से सड़क कितनी ऊंची दिख रही है, ऐसा लग रहा हम इधर हाइट में जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं सेकंड टाइम ट्रक ट्रैक पे बैठ रही हूँ, दिशा फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम मैं तो फोर्थ टाइम बैठी हूँ, फर्स्ट टाइम बिल्कुल फर्स्ट टाइम सानी, सेकंड टाइम क्योंकि हमने बहुत एक दो आंटियों को देखा वो भी ट्रक में जा रहे थे, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था इसलिए हम भी ट्रक रोक दी हमने। अब हम ट्रक वाले भैया का इंटरव्यू लेते हैं, ट्रक वालों की लाइफ कैसी होती है। ठीक है, तो भैया का कहना ये है कि उनको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता है और सिर्फ 1 घंटे की नींद मिलती है, ये बात सच है? कितने बजे सोते हो? क्योंकि हमें भी बताया कि ट्रक ज्यादातर रात को ही चलती है, तो रात भर तो इनको उठना ही पड़ता है ना, दिन में ट्रैफिक हो जाता है ट्रक की वजह से, तो ट्रक को रात को ही निकलवा देते हैं। और घर छुट्टी नहीं मिलती आपको वीकेंड में भी, संडे को भी नहीं मिलती है? हमें तो चलो संडे मिलती है, हम तभी आज संडे से हम आउटिंग भी जा रहे हैं। पहुंच गए हैं सियालवाड़ी तक, और भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फाइनली कैसा लगा तुम लोग को ट्रक का सफर, जल्दी बताओ। था अच्छा, खाने वाला कुछ लगा है, खा लेते हैं। ठीक है चलो, ये ना सानी खाते ना इनको, देखते हैं खाते पक्का ना देखते खाते हैं, जामुन है, ठीक है जामुन नहीं है तिमुल है, बेड़ू पाको बारमासा, अरे गिर गया, ले कैसे खाते हैं, क्या ऐसे तो खाते हैं, इसके अंदर का खाते हैं, पूरा खाते हो? नहीं खाते बाहर का, वो होता है मोहिता भंडारी भी बस मारे हैं, उनके लिए वेट करना पड़ा अब यहाँ पे, वो लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे रोड में ही, छाया है क्योंकि ये रोड खाली खाली रहती है ना, तो यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, ऐसे ट्रैफिक का कोई डर नहीं है। पता नहीं है मोहिता भंडारी की बस कब आएगी, ये लोग हमारे साथ नहीं आ रहे थे, अच्छा हुआ इनके साथ, जा जल्दी चल जल्दी सीट मिल रही तो जाओ। गाइस इनको लिफ्ट मिल गया है एक एक करके, गाइस अब पहुँच गए 10 बजे, हम 8 बजे पहुँच गए थे, इतना घंटा वेट किया ना तुम लोगों का, के लिए हम रुके थे मोहिता भंडार के लिए इतने घंटों तक, क्योंकि हमने किरण दी रिक्शा लोग को पहले भेज दिया लिफ्ट दिला के, और हम इनके लिए रुके और ये दो गधे लिफ्ट लेके चले गए, हमें मतलब रुके भी नहीं हमारे, और हम पैदल हो गए हैं इतने, क्या कहें
भलाई का जमा, इंसानियत तो गई भाई गई। अब तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। पहले मैं क्या बोलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने भी लिफ्ट ले लिया, हमें दिल्ली से आ रखे थे अंकल लोग, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी है, थैंक यू बोलते हैं उनको। अभी आ रहे हो, थोड़ा गाड़ी पार्क कर रहे हैं उधर, कल ने हमें लिफ्ट दी, थैंक यू। वो और पीछे हैं, हम ढोकानी वाटरफॉल तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा, पानी बहुत कम हो गया सच में। जहाँ पे पानी गिरता है ना, वहाँ पे मैं पूरा डूब जाती थी, लेकिन अब वो अंकल लोगों के पेट में पहुँच रहा है पानी, इतना कम हो गया है। तो गाइस अब ये इतनी तो भीड़ है, क्या नहाएंगे, इतने यहाँ हैं खड़े, इतने यहाँ हैं। गाइस आप गंदगी देख सकते हैं, वाटरफॉल का क्या हाल है, फिर भी लोगों की घिन नहीं आ रही। मुझे तो अभी घिन आने लगी ना, इसमें कैसे नहाया जाएगा, इतना तो सारा कचरा साइड में पानी का अटका हुआ है, और ये लोग सफाई भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो वाटरफॉल आना एकदम बेकार है, तो इससे अच्छा बाल्टा वाटरफॉल अच्छा है, क्योंकि वहाँ लोग भी कम है और पूरे जंगल में है। यहाँ तो पूरा गंदगी, सच में बहुत ही गंदगी है, ऊपर से कुछ इतना होता है ना यहाँ के पानी से। गाइस आज आए हुए हैं हम ढोकानी वाटरफॉल, लेकिन यहाँ आकर मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा नहाऊंगी, मज़े करेंगे, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर मेरा नहाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी में पूरा प्लास्टिक तैर रहा है, इतने सारे यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें हैं, बच्चों के डायपर्स सब नीचे फेंक रखे, इतनी गंदगी हो रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ढोकानी वाटरफॉल जब भी आते हो तो सफाई मेंटेन करना है। मेरा तो एक बार जितने भी लोग यहाँ आए ना, सबको कहने का मन कर रहा है पहले सफाई करते हैं फिर नहाते हैं, लेकिन कोई सफाई करेगा नहीं, मुझे पता है। A few moments later. नहाने इंजॉय से मतलब है सबको। मैं तो नहाने चली गई थी, मैं सिर्फ झरने के पास गई, इधर उधर इतनी गंदगी हो रही ना, लोग थूकते उसी में रहे हैं, पूरा थूक तैर रहा है उनका। ठीक, अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ और इन लोगों की फोटोज लेती हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मैंने नहा लिया झरने के पास में जाके, साफ पानी से, वहाँ से तो साफ आ रहा है। और भीड़ देखो, सारे लोग झरने के पास है, बस मेरा फोन सेफ रहे। ना 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 किरण घटियाल दी, जो पहले कहती मैं नहीं नहाऊंगी, अब देखो सबसे ज्यादा यही तैर रही है, ये फोटो फोटो करके मर जाएंगे यार। पोज तो मारो फिर, ये क्या पोज होती है, अरे पानी नीचे फेंकते, इतने जने हो तुम, जैसे हमसे वो सीन हो ही नहीं पा रहा, जैसे सीन सामने उठा दिया उसको बाहुबली के ऊपर। गाइस हम लोगों ने नहा लिया है, अब हम जाते हैं वापस, भीड़ अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सारे लोग यही झरने के पास में जा रहे हैं, बाकी लोग यहीं पे नहा रहे हैं, देखो कितनी भीड़ है और अभी भी लोग आने में ही है। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाटरफॉल कब तक खुला रहता होगा, मतलब ओपन, रात तक नहाते होंगे लोग, असल कब तक आते रहते हैं। और दीक्षा कैसा लगा फिर ढोकानी वाटरफॉल, फर्स्ट टाइम आई ना तो आज, घर जाके खुजली हो गई यहाँ के गंदे पानी से, अब नहाना पड़ेगा, देखो तो दोबारा नहाना पड़ेगा, मुझे इतना अजीब सा लगता है ना गंदे के ऊपर से, इतनी डबल पानी कम है, लोगों का थूक ज्यादा है इसमें। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं सभी लोग वाटरफॉल से नहा के बाहर निकल चुके हैं, और सब कुछ लोग सूख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ कढ़ाई धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग अब यहाँ पर मैगी बनाने वाले हैं, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पर हम मैगी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की मैगी बनने वाली है, उससे पहले हम एक बहुत दूर से काकड़ी घाट साइड से एक नौकर को लाए हैं, बर्तन माजने वाले एक आदमी को लेके आई हैं, जिसका नाम है शालिनी, जो यहाँ पर जिसने कढ़ाई माज रखी है, और देख सकते हैं हम, लेकिन ऊपर से लीपा पोती करके कढ़ाई को धोएगा
और हमारे प्रियंका साई जी है जिनको बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि मैं कढ़ाई दूंगा करके। गलत फहमी नहीं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलत फहमी ना पालो, ऐसी प्रियंका साई का। और ये हमारी रिया जी है, ये कितनी फोटो खींच लिया बेटा 200-300 नहीं खींची। अबे मैगी मैं बनाऊंगा भाई, लोगों को थोड़ी बनानी आती है। एक बहन मुँह छुपा के बैठी है, उससे बात करते हैं। बहन आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? तो कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव ढोकाने वाटरफॉल का? बहुत अच्छा था, पर यहाँ लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, पर यहाँ गंदगी है। हाँ हाँ ये चीज़ है ना। तो मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोग को? यहाँ जब आते हो तो गंदगी कम कम फैलाएं, ओके, अपनी गंदगी अपने साथ ही समेट के ले जाएं। सही बात। हमारे भाई साहब भी बैठे हैं। भाई साहब आपका संदेश कुछ ढोकाना है लोग को? हम समझ गए हैं। आज आप ढोकाना वाटरफॉल आई, आपको कैसा लगा यहाँ के? गंदगी फैलाई है ना लोगों ने, छू करती हूँ मैं सब लोगों को। ठीक है, तो आप मतलब सारा कूड़ा लेके आते हैं अपने साथ, घर वापस नहीं ले जाते हैं ना, जला के जाते हैं। क्या है मतलब, अच्छा खासा वाटरफॉल था उसको इतना गंदा बना दिया ना, जैसे नाली में शराबी बदतमीज पीते हैं या फिर नाली भी होती, नाली नाली में बिस्किट के पैकेट कुरकुरे वगैरह प्लास्टिक सब पानी में तैर रहा है वैसे ही। और पानी ऐसा कर रखा है। तो हमारी यहाँ आने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं आए भी तो अपने जो भी अपने साथ जो सामान लाते हैं अपने साथ लेके जाए, वो यहाँ भी साइड में कूड़ादान लगाए एक दो, वहाँ फेंके सारे कूड़े को वहाँ एकत्रित करें और ऐसे वाटरफॉल में गंदगी ना करें। और हाँ जी, तो सफाई में है, यानी चीजें पसंद है ना, प्लीज मत आना यहाँ, बहुत खुशी होने वाली है घर जाके। इनने पहली मैगी में मसाले मिला दिए, तो हमारे बीच में कुछ देहाती लोग भी हैं जिन्हें मैगी की बनानी आती नहीं, सालों को पहले मसाले मसूले मिला देते हैं, उसका पता नहीं कैसी मैगी खाने लायक भी होगी नहीं होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं सब लोग थक चुके हैं बेचारे, एकदम सन्नाटा छा चुका है, एकदम मायूसी छा चुकी है सभी के चेहरे पे। इन दोनों के चेहरे पे तो इसलिए मायूसी छाई क्योंकि इन दोनों की फोटो डिलीट हो गई सारी की सारी, मतलब कपड़े उठा दिए किसी ने, भागो 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 भागो, रिक्शा को ले जाओ। मैगी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं, इनको तो मैंने बस प्याज छिड़कने के लिए रखा था और ये इन लोगों ने अपना काम बखूबी कर रखा है। और ये लोग मुझसे काफी डर के रहे क्योंकि मैंने इनकी फोटो सारी डिलीट कर दी है। अभी सान ली कुछ वीडियोस बची हैं, अगर वो अपना भला चाहती है तो मेरे आगे मुंह ना खोले। खोला मैंने। हाँ शाबाश, नीचे मैगी बना चुपचाप, बस हो गया। हाँ मैगी बन के तैयार है और आप लोग देख सकते हैं सबके एक्साइटमेंट, मैगी बन के तैयार है मैगी खाने की। को मिल चुकी है मैगी, लेकिन हमारे प्यारे गौरव भैया बेचारे, इनका मुंह देखिए, देखिए इस मासूम बच्चे को जो मैगी का इंतजार कर रहे थे, पर उनके प्रिय मित्र आके उनकी मैगी ले गए। हमारी दानी प्रिय शालिनी दी एक ग्लास में इनको मैगी दे रही है। कैसे कैसे आप इनका क्या कहते हैं थैंक यू करना चाहेंगे? मैं खाता, मेरा अकेले का पेट भरता, पर वहाँ 10 लोग और खा रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, तो ये बहुत चीज है। देखो देखो अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान क्या क्या करता है, देखिए ध्यान से देखिए इंसान की शक्ल को। लोग खा रहे हैं कैची धाम के मेले से लाए हुए हुए मालपुए खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। और हर्षदा जोश कैसे हो रही है मैगी? सब हम लोग खाने जा रहे हैं पकौड़ी जो हमारे प्यारे गोविंद भैया ने बनाई है, हमारे मैस की पकौड़ी। आठ लोगों के अलावा हमारे ग्रुप में दो मेहमान और आ चुके हैं पकौड़ी खाने, हालांकि ये बात अलग है कि इससे पहले मैगी खा के भी गए थे पर अभी पकौड़ी लेने आए हैं ये लोग। और हम लोगों ने खाना खा लिया है और जितना भी हमारा वेस्ट है ना वो हमने जला दिया है। अगर आप लोग भी यहाँ आते हो तो अपना वेस्ट प्लीज उसे डिस्ट्रॉय करके ही जाएं, या तो जला दीजिए या तो वापस अपने साथ ले जाइए, ठीक है? मेरा वहाँ इनके साथ मैगी खाने से पेट नहीं भरा, मैं नई ग्रुप में आ गई हूँ मैगी खाने, ये लोग खा रहे हैं सैम के ग्रुप में, इन लोगों ने कुकर में बनाया है इसमें सच में। हाँ हाँ अच्छा थैंक यू। ये भुक्कड़ यहाँ भी आ गया है खाने के लिए, तो मुझे क्यों फॉलो करता है? जैसे कि आप देख सकते हैं सबने खा पी के अब चल दिए सब अपने अपने गंतव्य स्थान को, मतलब सब लोग खड़े हैं, कोई फोटो शूट करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बेचारी अकेले कढ़ाई धो रही है, उस बेचारे दो ऊपर भी बैठ गए, उन्हें कुछ काम नाम किया नहीं सालों ने। मैंने चम्मच धोई, प्रियंका ने सारी की सारी कढ़ाई और ये धोरी है डाड़ू, वही तो बाकी सब लोग आए नहाए, उन्होंने फोटो खिंचाई चल दी है, बस हो गया, जेब में हाथ डाल के देखो यहाँ कुछ काम सारा काम गाइस हम लोगों ने किया, तो क्या कर सकते हैं,
ऐसे ही इन लोग का, तीन नाले ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम नहीं था लोगों, कुछ काम नहीं किया सर्वर दिन में। मुँह छुपा रहे, देखो काम चोर लोग ऐसे मुँह छुपाते हैं देखो, ये होती है काम चोरी, खा पी के ऊपर बैठ गया बस हो गया। खाली मैगी के सामने खड़े हो गए, बनाई नहीं सब हमने, मैगी के सामने खड़े हो गए चले। अब भीड़ ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है, हम यहाँ ना कल से आइसक्रीम बेचने आते हैं, मजा आ जाएगा, चाय मैगी बना के लोगों को खिलाना खिलाना, और यहाँ पे जो कैफे खोल रखा उन्होंने होटल खाने का, उनका भी बहुत चल रहा होगा है ना। भंडारी आइसक्रीम बेचने आए कल से, मोमो बेचते हैं, आइसक्रीम या कुछ, हाँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल सियालबाड़ी तक, क्योंकि यहाँ से कोई लिफ्ट देगा नहीं, सब गाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं, धूप इतनी तेज है ना। मोहिता भंडारी चले गए स्कूटी में, इधर किसी काम के नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पे सियालबाड़ी वाले दोराहे पे पहुँच चुके हैं, आधी टीम हमारी पहुँच चुकी है लिफ्ट लेके जहाँ तहाँ से, ये दोनों पहले ही भाग गए थे, ये दोनों इतने ऐसे हैं ना, मतलब इनको स्कूटी मिल रही है चल दे रहे हैं, एक हम ही हैं जो लिफ्ट नहीं मांग पा रहे हैं। तुम क्या करे भी रुके रहेगा, हमारे चाहने वाले बहुत ज्यादा है ना भाई, अभी भी मिल सकती हैं चाहने वाले, अच्छा पहचान वाले हैं भाई, यहां से भी चले ही जाना फिर, अब यहां पे लिफ्ट नहीं की ऐसे रोड पे दिख गया कि लिफ्ट लेने का तरीका भंडारी एक्सप्लेन कर रहा है, वो लोग नीचे चले गए हैं लिफ्ट लेने, यू सी लिफ्ट ऐसे मांगते हैं ठीक हो, और दीक्षा कैसे मांगती है। तो गाइस हमें मिल गई है लिफ्ट, हमारे दोस्त रह गए पीछे, हम तीन आ गए और हम जा रहे हैं फॉर्च्यूनर में, तो लग रहा है फॉर्च्यूनर में बैठने के बाद। गाइस फाइनली हम नीचे वाले कर्बला पे उतर चुके हैं, और ये रही हमारी फॉर्च्यूनर, हमारी फॉर्च्यूनर ना। तो गाइस अभी हो गए हैं 3:30 और हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा, और हथियारी कैफे में भी आ चुके हैं, किरण दी और दीक्षा लोधिया में ही अटके हैं, सानी लोगों को गाड़ी मिली नहीं, पता नहीं, सानी रिया और प्रीति एक साथ है, किरण हथियारी और दीक्षा एक साथ है, और हम तीन एक साथ पहले ही फॉर्चुनर में भाग भाग के पहुँचे उड़ उड़ के। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाय।